किसानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने कई योजनाएं लगाई हैं। अगर हम वो गिनाना शुरू करें तो ये समय भी कम पड़ जाएगा। इतनी चीजें, आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां सरकार का एक भी योजना का लाभ ना मिल रहा हो। हम लोग की बच्चियां यहां पर सावित्रीबाई फूले योजना के तहत आज हम लोगों ने पूरे राज्य में 8 लाख के लगभग बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ दिया है। और योजना पहले हम लोगों ने दो बेटियों के लिए बनाया था, लेकिन अब घर में 2, 3, 4 भी बेटी रहेगी तो सबको सावित्रीबाई फूले योजना हम देंगे। अब उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा गांव का लोग इतना गरीब बूढ़ा, इतना लोग थका पिटा है बेचारा कि अपना बाल बच्चा लोग का बोझ भी नहीं उठा पाता। बेटियां जितने भी हैं वो सब 7वीं 8वीं 9वीं पढ़ती नहीं है कि उसके लिए लोग दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे, अब बेटी बोझ नहीं होगी। और इसीलिए हमने ये योजना लाया है और जितने भी 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बच्ची है सबको हम सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ेंगे। और 12वीं पास करने के बाद आगे का पढ़ाई का भी पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया। तो इसलिए बेटी को अब स्कूल छोड़ाने का जरूरत नहीं है। अभी हम उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 स्कूल को हम लोगों ने चालू किया है, आगे जाकर के इसकी संख्या 5000 होना है, जहां प्राइवेट स्कूल के बराबर की पढ़ाई होगी, जहां उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक लोग भी वहां पर अपना योगदान देंगे। इसी तरीके से हम सभी बच्चों को जो 10वीं 11वीं 12वीं पास कर रही है या कर रहा है, जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे सभी को एक गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं। और वो गुरुजी क्रेडिट कार्ड जिन बच्चों के पास होगा, आपको पता है डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए लाखों रुपया खर्चा होता है। आप डॉक्टर पढ़ने के लिए, इंजीनियर पढ़ने के लिए, वकील पढ़ने के लिए, पत्रकार बनने के लिए हमारे बच्चों को अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया भी खर्चा होगा तो उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। आज कौन सपना देखता था कि हमारा बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा। आज जाके देखिए, इस देश का पहला ये राज है जहां सरकार अपने खर्चे पर बिना किसी गारंटी पर हमारे अपने बच्चों को विदेश में ले जाके पढ़ा रहे हैं। आज 50 बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई लोगों को तो वही नौकरी लग गया, कई लोग यहां अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी में चले गए और समाज और राज्य और देश को मजबूत करने में लगे। तो कई ऐसी चीजें, आप लोग इनका लाभ लें। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आज आपके इस जिला में, सिर्फ और सिर्फ दुमका जिला में जो गांव का सड़क है जो बहुत वर्षों से टूटा फूटा रहता था और विभाग में भी लंबा लंबा लाइन में कतार में बेचारा, उस सड़क कब बनेगा, कब
आवंटन आएगा, इसके इंतजार में पड़ा रहता था और पूरा सड़क चलने की स्थिति पे नहीं था। आज लगभग हम लोगों ने दुमका जिले में ग्रामीण सड़क 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी है, जो लगभग 650 करोड़ रुपए का बनेगा। और तो और जो सड़क विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, उसके माध्यम से लगभग 650 किलोमीटर बनेगा, जिसका लागत लगभग 1000 करोड़ रुपया होगा। और वो इसलिए हम बना रहे हैं कि हमारा गांव का जुड़ाव शहर से आज भी कटा हुआ है। कई लोग अपने बाल बच्चों की बेहतर भविष्य के लिए गांव से उठ करके शहर में भाड़े में घर पे रहना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, भाड़ा देने के लिए मजदूरी करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलेगा। अब गांव से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और तो और उस बस के अंदर बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं, स्कूल की कॉलेज की छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी, ये हम लोगों ने उस नियम में डाला है। तो जो याद आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, आप सबको पता है यहां हम लोग एक सिंचाई के लिए भी मेगा लिफ्ट इरिगेशन लगा रहे हैं। इस प्रदेश में सिंचाई को लेकर एक नई तकनीक से कैसे सिंचाई हो, इसका पहला जो योजना है वो हम लोगों ने दुमका जिले के मसलिया प्रखंड से शुरू किया है। और इसमें हजारों एकड़ जमीन खेती होगी, जहां आज सिर्फ बारिश के समय में खेती होती थी, उन सब जगहों पर आप 12 महीना खेती होगा, चाहे वो खेत हो चाहे वो टाड़ हो, दोनों जगह पर खेत होगा। तो नाते योजना बार विषय मिमीटा कते आयमा नोडे को रोड बड़ा किदा लाइब बड़ा के किया को आपे बिजली को हो 100 यूनिट बिजली आले मुफ्त ले मापे कना राशन कार्ड हो हटी भी ना आयमा जाएगा रे राशन कार्ड पहल चलाओ बनाओ। जो सरकार हमारे थे, इन लोग का करतूत ऐसा था कि इस राज्य की गरीब जनता की संख्या होने के बावजूद, ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद, इस राज्य में गरीबों का 13 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन हम लोग आए तो 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके लोगों के बीच में बांटने का काम हम लोग किया। और तो और आपको हम बता दें, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उन राशनधारियों को आने वाला समय 1 किलो दाल भी उस राशन में फ्री देने का काम करेंगे। तो कई चीजें हैं, हमें लगता है कि और भी यहां शिलान्यास उद्घाटन परिसंपत्ति बटनी है। आ रहा हूं नोडे शिलान्यास उद्घाटन और अपे हो रूवर सो में हुई तपे यहां नोडे आयमा होड़ नुआ दिसोम रे मिना को जा नुआ बाको नेल सहायदा किंग दिसोम दिसोम सेन कते जा सरकार योजना है दुअर दुअर सटेरो करा से बांग सटेरो करना नुआ आलोन कमी मा आर तहन हो नोडे चिकाते आलोन सटेरो मा ओना लगी हो नुकु षड्यंत्र को रचावे तहे। लेकिन चिंता लो पिंचिंताया जब तक जीवे मिनाया नोआ दिसोम लगी जीवे मिनाया नोडरन होड़ को लगी रेंगे नचार होड़ को लगी। और आज आप लोग के हर सुख दुख आपके सभी तकलीफों के गरीबों के आंसुओं पोंछने के लिए सरकार कटिबद्ध है। किसी भी कीमत पर हम लोग अब जिस तरीके से पहले हम लोग का नारा हुआ था
कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। राज तो मिल गया लेकिन 20 साल में लोग यहां भूख से मरने लग गया। इस राज से लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग बड़ी विपरीत परिस्थिति में इस राज को फिर से इन षड्यंत्रकारियों के हाथ से छीनने का काम किया और आज कोरोना जैसा महामारी में विपरीत परिस्थिति में, सुखाड़ के विपरीत परिस्थिति में हम लोगों ने अपने मजदूरों को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में फंसे लोगों को हवा जहाज ट्रेन से उठा उठा करके ला करके गांव में पहुंचाने का काम किया था। सामान्य जीवन में ये लोग भूख से लोगों को मरवाया लेकिन इतनी आपत्ति में भी, इतनी विपत्ति में भी, इतनी मुसीबत में भी एक भी मजदूर को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। हमारे विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही जात परिस का लोग, उन लोगों का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं इस मंच से और इस आए हुए भीड़ से, क्या सरकार की योजनाएं, क्या बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज, मिलता है बुजुर्गों को पेंशन? सावित्री बाई फूले का योजना मिल रहा है? हमारी मां बहनों को पेंशन मिलता है? धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है बताओ? हर आदमी का जरूरत रोटी कपड़ा और मकान, हम लोगों ने हरा कार्ड राशन देकर के बांटा, सभी गरीबों को सम्मानजनक जीने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी बांटा। साल में 2 बार हम देते हैं और तो और गरीबों को आवास, हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं हम, 3 कमरे का आवास अब हुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा लेकिन आवेदन मुझे लग रहा है ये 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है कि घट जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस हर गरीब को आवास हम उपलब्ध कराएंगे। हो सके तो इसके लिए 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल लगे, एक एक पैसा जुगाड़ करके लाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। अगर आज हमारा हक अधिकार मिला होता तो इस राज के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है और पिछड़ा राज का कलंक है उसी दिन मिट जाता, लेकिन हमारा पैसा अभी केंद्र से मिलने में जो हुज्जतें हो रही है वो आप देख रहे हैं। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा लगता है, अब छीनना पड़ेगा जैसा राज लिया है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होता तो जो आज इन लोगों ने गैस का सिलेंडर, पेंशन की राशि कितने मिलती है? कई राज है, छत्तीसगढ़ में जाके पता कीजिए, पेंशन वहां 350 टका मिलता है। बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन वहां 400 टका मिलता है। उड़ीसा भी पता कर लो तो पता चलेगा कि वहां भी 500 टका मिलता है, लेकिन झारखंड
कम से कम 1,000 रुपया देने का आज क्षमता रख रहा हूं। तो इसलिए साथी बहुत सारे और कार्य योजनाएं हैं, हम खाली जायजा लेने आए हैं। आज हमारे घर में, आज इस राज्य का हर एक घर में सरकार की कोई ना कोई योजना है। मुझे तो मंत्री जी ने बताया, आप लोगों को मंत्री जी ने बताया होगा, इस राज्य में कई ऐसे घर अब ऐसे हो गए जहां पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और तो और, बेटी है तो सावित्री भाई फूले योजना का भी लाभ ले रहा है। ये आलम है। तो आज कई काम और करने हमारे जो इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, उन समस्याओं के बारे में हमें आपके माध्यम से, आपके आवेदन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम कार्य योजना बनाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है विभिन्न विभागों का, पेंशन का, आवास का, बनपट्टा का, सावित्रीबाई फूले का, पशुधन का, बिरसा हरित ग्राम का, सभी चीजों का ये लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। और ये पंडाल यहीं पर नहीं, और भी जगह पर दूसरे पंचायतों में, पूरे राज्य में शिविर लगी हुई है, वहां भी ऐसे ही भीड़ है और लोग ढूंढ रहे हैं अपने अपनी योजनाओं को। और आज आप देखेंगे यहां बेचारा इस स्टॉल के अंदर जो ये 10-20 स्टॉल लगे हैं, इन 10-20 स्टॉलों में सबसे बुरा अगर हाल है तो पेंशन वाला का, पेंशन लेने वाला अब नहीं आता। पेंशन वाला जो 58 साल का है, वो बेचारा दिन गिन रहा है कि हम 60 साल कब हो जाएं, कि हमको तुरंत पेंशन आके मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सभी चीजें ऑन द स्पॉट बनता है। तो इसलिए साथी पूरी चीजें एक बार में नहीं बदलेगी। 20 साल इन लोगों ने राज्य को ऐसे स्थिति में डाला है जहां करोड़ों करोड़ों समस्याएं आ रही हैं। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय। आज ये पदाधिकारी जो आपके सेवा के लिए तनख्वाह लेते थे, इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया लोगों को। लेकिन आज इन पदाधिकारियों को भी इनका सम्मान देते हुए, ये भी बेचारे, इनका भी हक अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों ने। इस राज्य के कर्मचारियों के भी पेंशन लूटने का प्रयास होता रहा और इस राज्य के सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने पुनः पुरानी पेंशन देने की योजना तैयार कर दी। और आज यही कर्मचारी निडर होकर के, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाके ब्लॉक आपके शिविर में बैठा हुआ है और आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। पूरे राज्य में दिवाली और दशहरा की तरह शिविरों में भीड़ जुट रही है। अबुआ आवास का काउंटर तो इतना भारी हो गया, बेचारा फॉर्म भरते भरते थक जा रहा है। तो हमने तुरंत 24 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 2-3 दिन के बाद ही हमें ये जानकारी मिली। हमने कहा कि तुरंत अबू आवास का 2 काउंटर खोलो और सबका आवेदन लो, और जितने आवेदन आएंगे कोई आवेदन छूटना नहीं चाहिए। और इसका आकलन हम सब इकट्ठा करने के उपरांत
कैसे बारी बारी अलॉट हो, इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे। और अभी रास्ते तो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। लगातार 9 वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाता संत जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल महारो दुमका। मोबाइल नंबर 7633822554।